मैं चाहे मेघला का सच किसी को भी ना बताऊं, पर कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई के बारे में पता है। माँ बाबा मेरे होते हुए भी मेघला को इस घर में ले आए, और ये बात मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बचपन से ही मुझे अपनी सारी चीजें मेघला के साथ शेयर करनी पड़ी। मुझे डर है कि मेघला रणबीर को भी मुझसे ना छीन ले। रणबीर को भी म्यूजिक बहुत पसंद है, और मैंने देखा है उन्हें मेघला से बात करना भी अच्छा लगता है। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं मेघला की परछाई तक रणबीर पर पड़ने नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज आप उसे रणबीर से दूर रखना। हे माँ, बस अब एक ही दिन बाकी है दीदी भाई के आशीर्वाद के लिए। हमेशा मेरी बस एक ही इच्छा रही है कि उन्हें वो सारी खुशियाँ मिले जो वो डिजर्व करती हैं। रणबीर बहुत ही अच्छे हैं, बस आप दीदी भाई का ध्यान रखना। उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, आई होप वो सबके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाए। आप क्या उसी फ्रेंड की बात कर रही थी जिनकी प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी? उनकी बेटी जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। उसे किसी अनाथालय में ले गए थे, एक पुरानी फ्रेंड ने बताया। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेंगे। रब करे ऐसा ही हो। पता है रणबीर, मेरी शादी ना उससे पहले हो गई थी, और जब तू पैदा हुआ तो उसने कहा अगर उसकी बेटी हुई तो हम उसकी शादी रणबीर से करेंगे।